नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। तो नजर डालते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार की ओर से लगाई गई पाबंदियों के विरोध में दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि एक हफ्ते के भीतर पाबंदियों को लेकर जारी आदेशों की समीक्षा की जानी चाहिए। आपको बता दें कि पाबंदियों ने नेताओं के आने जाने पर रोक, इंटरनेट पर बैन आदि शामिल हैं। वहीं अदालत ने साफ साफ कहा है कि इंटरनेट पर अनिश्चितकालीन के लिए प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट प्रतिबंधों का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इंटरनेट पर अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। इंटरनेट पर प्रतिबंध की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट प्रतिबंध की तत्काल प्रभाव से समीक्षा की जाए। जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस आर सुब्रा रेड्डी, जस्टिस बीआर गवई की, जस्टिस एनवी रंडा, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस बीआर गवई की बेंच में बीती 27 नवंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सिद्ध अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधियों से संबंधित अपने सभी आदेशों के लिए एक हफ्ते के लिए भीतर समीक्षा करें। सरकार को प्रतिबंधियों से जुड़े अपने सभी आदेशों पर अवलोकन करते हुए गैर जरूरी आदेशों को वापस लेना चाहिए। इंटरनेट को अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं रखा जा सकता है। वही अगली खबर है, सुर्खियों में रहने वाले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस में हुई हिंसा के विरोध में छात्र संघ और शिक्षक संघ ने मंडी हाउस से मानव संसाधन विकास मंत्रालय तक वीसी हटाओ जेएनयू बचाओ मार्च निकाला। छात्र संघ अध्यक्ष आईसी घोष और वाम नेताओं का विरोध मार्च मंत्रालय तक तो शांतिपूर्वक पहुंचा। मंत्रालय में हुई छात्र संघ व शिक्षक संघ की बैठक में वाइस चांसलर को हटाने की मांग न मानने पर गुस्साए छात्रों ने राष्ट्रपति भवन कूच का आह्वान किया। छात्र संघ नेता आईसी घोष ने कहा कि हम राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च निकालेंगे। इसके चलते एक छात्र का सिर फट गया और कई घायल हुए। हंगामे में आईपीएस अफसर अग्रित प्रताप सिंह को भी चोट आई है। वहीं चौथे दिन भी पुलिस रविवार को जेएनयू परिसर में हुई हिंसा के किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जेएनयू के छात्र एक घटा देरी से फिरोजा शाह रोड पर मार्च में भी शामिल हुए हैं। छात्रों का आरोप था कि पुलिस ने उन्हें कैंपस से बाहर रोक दिया। इसके बाद नकाबपोश गुंडों पर प्रतिबंध लगाने और हॉस्टल फीस बढ़ोतरी का फैसला वापस लेने की मांग की शर्तों पोस्टर के साथ ढपली पर वीसी को हटाने की मांग गुजरती रही। प्रदर्शन में डीयू जमिया अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्र व शिक्षकों के अलावा छात्रविद, वामपंथी छात्र संगठन एनएसयूआई, केवाईएस, सगवारी संस्कृत ग्रुप समेत अन्य लोग शामिल हुए। वही राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आगाज शुरू होने वाला है। युवा महोत्सव 12 जनवरी से 16 जनवरी तक चलेगा। इस विषय में आज लखनऊ के मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम ने कार्यक्रम से संबंधित समीक्षा बैठक की, जिसमें समस्त अधिकारियों को लखनऊ के गांधी प्रतिष्ठान में होने जा रहे राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में निर्देश दिए। इसी बीच लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। कमिश्नर मुकेश मेश्राम ने मीडिया को बताया कि लखनऊ में आयोजित होने जा रहे युवा राष्ट्रीय महोत्सव में 23 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के युवा की टीम इस महोत्सव में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के संसद जनपदों के प्रतिशाली युवा भी इसमें हिस्सा लेंगे। वहीं इस राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रतिभा दिखाने वाले 23 राज्यों में 5000 प्रतिशाली पंजीकृत हो चुके हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में 23 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के युवा की टीम इस युवा महोत्सव में हिस्सा लेगी। उत्तर प्रदेश के संसद जनपदों के प्रतिशाली युवा लेंगे, जिस संबंध में अब तक 23 राज्यों के 5000 प्रतिशाली पंजीकृत किए जा चुके हैं। मंडलायुक्त ने बताया है कि इस प्रोग्राम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री 12 जनवरी को करेंगे। समापन 16 जनवरी 2020 को महामहिम राज्यपाल महोदय करेंगी। वही कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाराणसी पहुंच चुकी हैं। इस दौरान एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा, पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पटेल के साथ ही दर्जनों वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। पहले बार राजघाट स्थित संत रविदास मंदिर में दर्शन पूजा कर इसके बाद सीएए के विरोध पर जेल भेजे गए 65 प्रदर्शनकारियों से संवाद करेंगी। आपको बता दें कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में जीते हुए पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगी। प्रशासन की ओर से जारी प्रियंका के कार्यक्रम के अनुसार प्रियंका गांधी के एयरपोर्ट के गुलेरिया कोठी तक कार्यक्रम की सूचना दी गई है। गुलेरिया कोठी पर ही संवाद का कार्यक्रम भी रखा गया। हालांकि बनारस कांग्रेस की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। पदाधिकारियों ने कहा है कि देर रात तक स्थान का चयन किया जाएगा जहां वह जेल जाने वाले और बंजर लीडर पीड़ितों से मिलेंगी। प्रियंका के बनारस दौरे को लेकर प्रशासन महकमा भी सतर्क है। सुरक्षा अधिकारियों की बैठक में प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रियंका के बाबतपुर से राजघाट तक मार्ग पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं।
सादे कपड़ों में भी पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं नागरिकता संशोधन कानून और भाजपा के समर्थन में युवाओं ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। प्रदेश भाजपा कार्यालय से रैली शुरू होकर राजधानी के विभिन्न हिस्सों से गुजरते हुए पार्टी कार्यालय में पहुंचकर समाप्त हुई। इसे विजय संकल्प रैली का नाम दिया गया। इसमें शामिल युवाओं ने कहा कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी नागरिकता कानून को लेकर झूठ फैला रही है, माहौल खराब करने की साजिश हो रही है, इसीलिए युवा सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी, सांसद विजय गोयल और मीनाक्षी लेखी ने हरी झंडी दिखाकर विजय संकल्प रैली को रवाना किया है। तिवारी व गोयल एक साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुछ दूर तक रैली में भी शामिल रहे। गोल्ड मार्केट, मंडी हाउस, विकास मार्ग, ISBT रैली, विश्वविद्यालय, अजाबपुर होते हुए रैली बिटानिया चौकी पहुंची, जहां सांसद प्रवेश वर्मा भी उसमें शामिल हुए। वहां से पंजाबी बाग, धोला, धुआं होते हुए रैली वापस पंत मार्ग स्थित प्रवेश भाजपा कार्यालय पहुंची। मनोज तिवारी ने कहा है कि देश की प्रगति और उसे आगे बढ़ाने में युवा का योगदान सबसे अधिक है। युवा देश की एकता और अखंडता की शपथ लेते हुए CA पर झूठ व भ्रम का माहौल बनाने वाले खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। हताश विपक्ष अपनी चुनावी संभावनाओं को पूरा करने के लिए युवाओं को गुमराह कर हराजकर्ता की ओर ढकेल रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।